मैंने दो आम लिए हैं। पहले हम इसे छील के और काट लेते हैं। ये आम को मैंने काट लिया, दोनों आम को अच्छे से। अब इसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा खट्टा आम होगा तो आप ज़्यादा चीनी डालें, और मीठा आम है तो थोड़ा कम चीनी डालें। अब हम इसे पीस लेते हैं अच्छे से। ये मैंने आम को पीस लिया है। अब यहाँ पे हम 750 ml दूध लेंगे, क्योंकि आम जो है मैंने 750 ग्राम लिया था, तो उसको पीस के और 1 कप के करीब इसका प्यूरी बना है, तो इसलिए यहाँ पे हम दूध 750 ml लेंगे। और दूध को हमें एक उबाल आने तक पकाना है। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। आप यहाँ पे उबला हुआ दूध भी ले लेंगे तो आप एक बार इसे उबलने दें। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप, अगर आपके पास ठंडा दूध है तो आप ठंडा दूध भी इसमें डाल सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। और इसे हम साइड कर लेते हैं। और दूध में भी अब उबाल आने लगा है, तो हम 2 से 3 मिनट और दूध को खौला लेते हैं इसमें। अब आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही खौलाएं। हमें दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस 2-3 मिनट खौला लेना है। दो से तीन मिनट हो गए हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लावर को पानी मिला के रखा है वो धीरे धीरे इसमें डाल देंगे और दूध को चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे आप दूध को नहीं छोड़े, ऐसे चलाते रहे, नहीं तो कॉर्नफ्लावर के कारण दूध जो गाढ़ा हो जाता है तो फिर नीचे जलने लगेगा। इसे भी हमें 5 मिनट तक पकाना है, जिससे कि कॉर्नफ्लावर जो है उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम गैस को कम कर देते हैं, और जो हमने आम को पीस के रखा है उसे हम एक बार छान लेते हैं, जिससे कि उसमें जो भी रेशा वगैरह हो वो छन जाए। जितने भी हमने पल्प निकाले हैं वो हम छान लेंगे। ये सारे आम के जो पल्प हैं वो मैंने छान लिए हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं दूध को भी कॉर्नफ्लावर के साथ खोलते हुए। अब हम इसमें जो हमने आम का पल्प छाना है वो डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आम के साथ भी हम इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि सारा मिक्सचर जो है एक जैसा हो जाए, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। पाँच से सात मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब हम पहले इसको ठंडा होने देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं।
ये मैंगो डेजर्ट हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसे ग्लास में निकालते हैं। ग्लास कटोरी जिसमें भी आप खाना चाहें उसमें आप निकाल लें। इसमें इस ग्लास में निकाल लेती हूँ। इसमें हम डाल देंगे थोड़े से आम के टुकड़े कटे हुए। थोड़ा सा ऊपर से बादाम कटा हुआ। ये हमारा मैंगो डेजर्ट बनके तैयार हो गया।